नमस्कार, मैं संगम स्वागत करती हूँ आपका संगम मल्टी ब्लॉग में। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी वीडियो देखते होंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हरियाली है। ये जो मेरा अपना मकान जो बन रहा है उसके पीछे का ये हिस्सा है, तो मैंने छत पे लाके देखिए मिर्ची सुखा रही हूँ, क्योंकि मिर्ची का समय आ गया था तो मैंने भी मंगा के और भरने के लिए धूप में डाल दिया है। और देखिए शाम हुआ तो मैं इसको लेते आई, और देखिए फिर मैं छत पे जा रही हूँ और कपड़े जो हैं सारे उसको लाना है, क्योंकि बीच में तो बहुत ही काम इतना ज़्यादा रहता है कि मैं सब काम आपको नहीं दिखा पाती हूँ। तो देख सकते हैं मैं छत पे आ गई हूँ और इतने सारे कपड़े जो थे सूख गए हैं, तो मैं इसको ले जाऊँगी नीचे। और सीढ़ी इतना सीधा है, देख सकते हैं दोस्तों कि क्या बताऊँ मैं, बहुत ही सीधा है। चढ़ने में भी डर लगता है, उतरने में भी डर लगता है, और ख़ासकर जब हाथ में कपड़े रहते हैं तो हाथ भरा रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा डर लगता है सीढ़ी पे चढ़ते हुए। और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, मैं आ गई हूँ नीचे रूम में और मैं मसाले बना ली हूँ। जो अचार के मिर्ची के लिए मसाले होते हैं मैंने बना लिया है, और इसको मिक्सर में मैंने पीस लिया है। तो इसके लिए मैंने सभी मसालों को भून लिया है हल्का सा, ताकि वो सौंधापन हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। और उसके लिए मैंने देखिए क्या क्या मसाले लिए हैं, अजवाइन है, सरसों है, धनिया है, और फिर उसका सौंफ है, जीरा है, मेथी दाना है, काला नमक, सफ़ेद नमक, और मैंने इसमें तेल डाल दिया, हींग, और इसमें अमचूर पाउडर ज़रूर डालें, और क्योंकि हींग से भी हमारा मसाला जो है, अचार है हमारा, ख़राब नहीं होगा, तो हींग डालना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और मंगरेला भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग मंगरेला भी डालते हैं। तो इसके साथ मैंने देखिए सभी को मिक्सर में पीस के इसको अच्छे से हल्का दरदरा पाउडर बना लिया। मिर्ची अगर दो दिन तक मैं धूप में डालूँगी, थोड़ा सा नरम हो जाएगा, तभी मैं मिर्ची को भरूँगी, क्योंकि तुरंत का ताज़ा मिर्चा नहीं भरा जाता है, टाइट रहता है तो फटने का ज़्यादा चांस रहता है। तो थोड़ा सा धूप में दिखा दूंगी दो दिन, तो थोड़ा सा जब भरने लायक हो जाएगा तो मैं उसको भरूंगी। दोस्तों कल था सेलिब्रेशन का दिन, जैसे कि मेरे बेटे का बर्थडे था, तो बर्थडे तो सेलिब्रेट हो गया और फाइनली सब निपट गया है अच्छे से। और आज हिमांशु का पेरेंट्स मीटिंग था, पीटीएम था, तो उसके जाने के बाद से मैंने सारे जो आप लोगों ने देखा ही है, सारे बर्तन इतने ज़्यादा हो गए थे, मैंने बर्तन धो धुल के और फिर खाना भी बनाना था, खाना बनाया और उसका नहा वहा के देखिए रेडी हो गई हूँ, और देखिए पूजा वूजा कर ली हूँ, और यहाँ सामने से मैं दिखाती हूँ। तो देखिए ज़्यादा अभी फूल उल इस समय तो मिल नहीं रहा है, तो फूल के बगैर ही मुझे पूजा करना पड़ता है, तो मैंने सब काम कर लिए। और अब थोड़ा सा चल रही हूँ, मिर्चा है जो कि देखिए देखिए ये मिर्चा है अचार का, और ये फाइनली भरने लायक हो गया है, थोड़ा लूज हो गया है, तो अब मैं इससे जल्द से जल्द भरने वाली हूँ, जा रही हूँ आज ही शुरू कर दूँगी, आज सैटरडे है तो आज ही भरना शुरू कर दूँगी, क्योंकि इसके बाद से ये ख़राब हो जाएगा। तो जल्द से जल्द मैं भर के इसको भी निपटा लेती हूँ, जैसे बाकी के काम निपटा ली हूँ। तो चलिए, काम था इतना, काम की थकान आ गया, तो इस समय तो सुबह तो नींद नहीं खुल रही थी, पूरा पैर और भी रखने में इतनी दिक्कत हो रही थी, पैर नहीं रखा जा रहा था, इतना सुबह से दौड़ते दौड़ते हालत ख़राब हो गई थी। अभी तो ये बर्थडे की तैयारी थी, अभी शादी में क्या हो मतलब हम लोग का हाल होगा वो देखिए, ऐसे ही दौड़ना पड़ेगा। और अब देखिए मैं बैठ गई हूँ मसाले भरने के लिए मिर्ची में, और देखिए रात के 11 बज रहे हैं और मैं मसालों को मिर्ची में भर ली हूँ, और लगभग इतना तैयार हो गया है मेरा। और ये मसाले हैं यहाँ देख सकते हैं, तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे मिर्ची मैंने रखे हैं। तो देखिए मैं मिर्चों को अलग कर ली हूँ, जो भी भरने लायक है इसमें से छाँट छाँट के मैं भरती जा रही हूँ। और इसके बीज को देखिए पहले निकाल ले रही हूँ, पहले तो इसको अच्छे से घुलाना पड़ता है, उसके बाद से बीज को निकाल के और उसी मसालों में भर के, और उसके बाद से देखिए इस तरह से भरा जाता है, मुट्ठी बांध के उसमें मिर्चे को रख के, और फिर मसालों को लकड़ी की सहायता से धीरे धीरे हम भरते हैं। बहुत लोग उंगलियों से भी भरती हैं, तो देखिए इस तरह से मैं मसालों को भर ली हूँ मिर्चे में और दबा के रख दी हूँ, और दूसरा मिर्चा भी मैं ऐसे ऐसी बारी बारी से मैं सभी मिर्चों को देख लीजिए
भर ली हूँ। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है देखने में ही। और ये बाद में थोड़ा नमक की वजह से गलता है, तो लगभग 3 किलो मिर्ची मैंने मंगाई और देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं आखिर में इसे भर ही ली, तैयार कर ली। और देखिए चली मैं अपने अचार को धूप में डालने, लो चली मैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं जा रही हूँ अचार जो है मेरा भरवे मिर्ची का अचार तो मैंने बना लिया है और ये लगभग 10 दिन हो गया तो मैं इसको धूप में डालने जा रही हूँ। और बहुत तेज़ धूप है, बहुत ही अच्छी धूप है, खिली खिली सी धूप है, तो मैं चल रही हूँ इसको पहले डालूँगी, उसके बाद इसको तेल में भी डालना है। और मैंने ये अचार जो बनाया है मिर्ची का, इसकी वीडियो मैंने आपके पास शेयर नहीं की अभी, तो इसको फुल मैं वीडियो शेयर करूँगी जब ये पूरा तेल में डुबाना होगा तब। तो उससे पहले की वीडियो मैंने आपको पास जो है शेयर की है। और फिर मैंने जो सब्जी वाली मिर्ची आती है और इसमें से जो मिर्ची बच गई थी जो कटे फटे होते हैं उनकी मिर्ची मसाले नहीं भरे जाते हैं, तो मैंने उसको भी कैंचियों से काट के और इसके जो मसाले थोड़े से बचे हुए थे उसको मैंने मिला के अलग से रोज़ खाने के लिए मैंने उसको बना दिया है, तो उसका भी वीडियो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी अभी और अपलोड करूँगी। तो चलिए आगे मेरी वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, तो चलती हूँ मैं, वीडियो में बने रहिए मेरे। और वीडियो चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो चलिए मैं इसको पहले धूप में डाल देती हूँ। तो हमारे यहाँ गलने के बाद से मिर्ची को हम धूप में डालते हैं, 2-3 दिन धूप में डालते हैं। बहुत तेज़ धूप होना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में आप डालेंगे तो एकदम सूख के लकड़ी हो जाएगा, तो ऐसा भी ये नहीं होना चाहिए। हल्का सूख जाए तो उसके बाद से तेल को हम गरम करके ठंडा कर लेंगे, बहुत ज़्यादा तेल भी गरम नहीं होना चाहिए। तेल इतना गरम होना चाहिए कि जितना कि हमारे मिर्ची के लिए ज़रूरी है, ज़्यादा बहुत नहीं गरम करना है क्योंकि धुआं ना फेंके, ऐसा ना हो, बस हल्का सा गरम हो जाए। तो जिस जैसे उसमें थोड़ा सा पानी वगैरह जो भी नमी रहता है वो ठीक हो जाता, क्योंकि नमी रहेगा तेल भी में नमी रहेगा तो ख़राब हो जाएगा हमारा अचार। तो हम ऐसे बारी बारी से देखिए उसको डुबा दिए हैं तेल में और बारी बारी से डिब्बे में भर के रख दे रहे हैं। आप शीशे के जार में भी इसको रख सकती हैं, तो ये साल भर के लिए स्टोर हो जाता है। और हम इसमें तेल को पूरा एकदम भर देंगे मिर्ची के ऊपर तक। तो देखिए बन के तैयार हो गया मेरे लाल मिर्च का अचार। ये आज की ब्लॉग यहीं तक, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।